नया गेटअप है ये। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस ले सकते हुए हम उन्हें अकोमोडेट करेंगे। काइंडली चैट में लिख दें या मुझे व्हाट्सएप पर अलग से बता दें जिसने भी प्रेस सवाल करना चाहते हैं। और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसको काइंडली रखिएगा टूर के ऊपर, इंग्लैंड सीरीज के ऊपर, वन डे क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अतीक, उमर कोलसन और फिर रशीद सबूत। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकी भाई, हारिस सुहेल का क्या इशू रहता है कि हर वक्त हर गैर मुल्की टूर पे ये जाकर जो है अनफिट हो जाते हैं और फिर ये हर बार सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो ये हारिस सुहेल के बारे में जरा कुछ बताएं। हारिस रऊफ को फिट है, हारिस सुहेल अनफॉर्चुनेट है। वी ऑल नो के कितना बड़ा टैलेंट है, यू नो ही इज डन वेल फॉर पाकिस्तान ओवर द इयर्स। ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्ट इसीलिए होते हैं कि इज वेरी टैलेंटेड एंड इज यू नो इट डज वेल एट द फर्स्ट क्लास लेवल आल्सो। इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट, यू नो क्या कहा जा सकता है कि जब आप टूर पे आते हैं तो अगर आपको इंजरी आती हो जाती है तो दैट्स little bit unlucky on his part and also of course for Pakistan. अब कर भाई उमर, फकर भाई थोड़ा बताइएगा बॉलर्स के बारे में। काफी एक्सट्रीम वेदर से लड़के ट्रेवल करके एक डिफरेंट वेदर में एक डिफरेंट कंडीशन में गए हैं, तो हाउ दे आर रिस्पोंडिंग एंड हाउ यू आर वर्किंग विद देम, बिकॉज़ आपने पिछला टूर भी मिस किया था। पिछला टूर यस आई मिस्ड जिम्बाब्वे टूर, लेकिन माशाल्लाह बॉलर्स डिड एक्सट्रीमली वेल T20 में भी और टेस्ट मैच लेवल पर भी। जब जहां तक के इस टूर की बात है, थोड़ा हम लोग अनलकी हैं कि वेदर उतना अच्छा नहीं मिल रहा जितना कि हमें मिलना चाहिए या होना चाहिए था। अगेन इट्स अनफॉर्चुनेट, इंग्लैंड में ऐसा होता है। लेकिन ये है कि बॉलर्स आर रिस्पॉन्डिंग रियली वेल, वट एवर फैसिलिटी, वट एवर अपॉर्चुनिटी वी गेट। वी डिड गेट सम आउटडोर प्रैक्टिसेस और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यस एक्सट्रीम वेदर से आए हैं, लेकिन ये वन गॉट टू रिमेंबर दैट के फ्रॉम 4 ओवर क्रिकेट टू 10 ओवर क्रिकेट इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम टू एडजस्ट द कंडीशन। But as I said, you know, they're fine bowler, they're experienced now, especially Shaheen. Hassan is bowling really well. So I'm very pleased overall. Achhi baat ye hai ki ye sab hot weather se aa rahe the, to itna lamba chauda kaam karne ki zarurat nahi thi. Assalamu alaikum Waqar bhai. Ji wa alaikum assalam sir. वकार भाई, जिस तरह आपने कहा कि आप मतलब खुश हैं, मुतमईन हैं पाकिस्तान के जो बॉलिंग जो इस वक्त बॉलिंग अटैक है, तो इस यूनिट यही मोरलेस यही बॉलर्स होंगे जो वर्ल्ड T20 में भी हमें नजर आएंगे, तो वहाँ की जो कंडीशन है UAE की, वो हम बड़े आशना हैं उस कंडीशन से, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पेस अटैक जो है वो ज्यादा मॉस्टर होगा या वहाँ स्पिनर्स का जो है रोल आपको ज्यादा नजर आता है बनिस्बत फास्ट बॉलर्स के? देखिए T20 क्रिकेट में इन फॉर्म होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो। अच्छी फॉर्म में टीम होगी, अच्छी फॉर्म में बॉलर्स होंगे, अच्छे रिदम में बॉलर्स होंगे, तो आई थिंक वी विल इंशाल्लाह डू वेल। एज यू सेड के UAE की कंडीशंस हमें आइडिया है, यू नो अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने क्रिकेट पाकिस्तान में खेलना शुरू कर दी है, तो कमिंग बैक टू UAE जस्ट रिसेंटली PSL भी खेले हैं, तो पिचेस का आइडिया तो डेफिनेटली है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पार्टियां, आई मीन फास्ट बॉलिंग एंड स्पिन, दे बोथ विल डू वेल। थैंक यू। मोहित शाह, शाहिद हाशमी और इमरान सिद्दीक। जी अस्सलाम वालेकुम। और मेरा क्वेश्चन जी थोड़ा सा इस टेक्निकल चीज पे है कि ज्यादा देखा गया श्रीलंकन टूर, इस जो श्रीलंकन सीरीज हुई है वनडे, इसमें जो इंग्लिश बॉलर्स हैं वो ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं ऑन द ऑफ स्टंप और राइजिंग डिलीवरी देते हैं बैट्समैन को,
एक तो ये डू वी हैव अ प्लान्स अगेंस्ट सच टेक्निक्स, और दूसरा हमारे पास खुद भी कोई ऐसा है कि हम अपने बॉलर्स को भी इस तरह थोड़ा करें कि वो जो उनके बैट्समैन है थोड़ा हुक को ज्यादा करें और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल हो, राइजिंग डिलीवरीज हो, उस पर थोड़ा अटेम्प्ट उनको करें ताकि उनकी विकेट ली जा सके। थैंक यू। देखिए मोहित भाई, वी कीपिंग अ वेरी क्लोज आई कि श्रीलंकन्स किस तरह खेले, ऑल्दो इतनी कंपेटिटिव सीरीज नहीं हुई उनकी, लेकिन वी नो के इंग्लिश बॉलर्स भी क्या कर रहे हैं और इन कंडीशंस में आई हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के यहाँ पे कैसी बॉलिंग होनी चाहिए। तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग एंड क्लोजली, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह द प्लान्स जो हम बनाएंगे इन बैट्समैनों के अगेंस्ट दे विल कम गुड। अस्सलाम वालेकुम वकार, शाहिद हाशमी। जी शाहिद भाई, वाले सलाम। वकार, इंग्लैंड टूर से पहले खबर आई कि चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान मोहम्मद आमिर के घर गए मिलने उनसे, और उन्हें कहा कि वो वापस आए टीम में और तरह तरह की बातें सामने, तो वो आपको आप उसका उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? आपको वो सुलह की कोशिश नजर आई या कोच और हेड कोच से वो नाराज होकर गए थे, लड़कर गए थे कि अगर ये दोनों होंगे तो मैं नहीं खेलूंगा, या आपको ऐसा लगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है हेड कोच और बॉलिंग कोच के ऊपर कि डायरेक्ट जाके वो मिल लिए? देखिए टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसका इल्म नहीं था कि वसीम भाई उनको जाके मिले हैं या क्या बातें हुई हैं। ये तो मीडिया के थ्रू ही और खबरों के थ्रू ही हमें पता चला कि ये ऐसी सूरत हाल हुई थी। आई मीन ही इज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज अ हेड ऑफ क्रिकेट, सो ही इज गॉट एवरी राइट टू गो एंड सी हूएवर ही वांट्स टू सी। वो उनके अपने पर्सनल उस पे गए थे, यू नो, जैसे मैंने कहा कि हमें नहीं इल्म था, लेकिन ये है कि यू नो ये बात बाहर आ गई है एंड इट्स जस्ट कॉज्ड कंट्रोवर्सी। और दूसरा ये है कि आमिर के सिलसिले में आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई हैं। नो डाउट इज अ फाइन क्रिकेटर, बट you know, if he doesn't want to play or if he doesn't want to take his retirement back and you know play and impress the selectors, I mean it is hard then. I mean ye Pakistan ki cricket hai na, meri cricket hai na, aapki cricket hai Shahid bhai, so you have to you know do the right things to play for your country. This is not a franchise cricket, one got to remember that. अस्सलाम वालेकुम विक्की भाई, इमरान फ्रॉम डॉन न्यूज़। जी भाई सलाम। अच्छा वकार भाई, अभी आपने कहा कि वो आप बॉलर की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं, लेकिन हकीकत ये है कि शायद ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि हमारा कोई भी बॉलर तीनों फॉर्मेट की टॉप 10 रैंकिंग में मौजूद नहीं है, तो कहाँ पर लैग कर रहे हैं? कोचिंग में कहीं मसला है या फिर उनका अपने जो सीखने का अमल है उसमें कोई मसला है? क्योंकि ये पहली मरतबा शायद हो रहा है कि तो तीनों फॉर्मेट की टॉप 10 रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी बॉलर मौजूद नहीं है। देखिए हमारा मकसद टॉप रैंकिंग में आना नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान की जीत नंबर 1 इज द प्रायोरिटी, और उसमें अगर पिछली मेरा मतलब है 4-5 सीरीज आप उठा के देखें तो पाकिस्तान जीता है, तो मेरे लिए तो बेमायनी हो जाती है कि अगर वो टॉप 10 में है या नहीं है, बट एज अ यूनिट अगर वो if they're performing well and putting the plans right, I don't think one should worry about ki wo kaun se rank pe hain, as long as Pakistan ka jo rank hai wo improve ho raha hai. Thank you. Main phir request karunga kindly England tour ke upar apne sawal restrict rakhiyega. Khalid Ach Khan, Badiul Zaman aur Ijaz Wasim Bakri. Assalamu alaikum Waqar bhai, Khalid from Dawn. Ji wa alaikum assalam Khalid bhai. वकार, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने मोरल सब बॉलिंग के बारे में बताया कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, सब कुछ है, लेकिन यू थिंक वकार के हमारे बॉलर्स क्योंकि डिफरेंट कंडीशन में खेलते हैं, हॉट कंडीशन में भी यही है कि और फिर साउथ अफ्रीका में भी, जिम्बाब्वे फिर इंग्लैंड आ गए, बारिश वाली कंडीशन भी होती है, लेकिन यू थिंक हमारे बॉलर ऑल कंडीशन बॉलर है आपकी नज़र में, अभी कौन कौन से जो एरियाज हैं जिस पर काम करने की जरूरत है, इम्प्रूव जरूरत है, और व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस यंग अपकमिंग फास्ट बॉलर शानवर दहानी?
कंडीशंस तो हालत भाई देखना है कि ये जब वो दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ऑफ कोर्स क्लाइमेटाइज तो होना पड़ता है आपको, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलिंग करनी पड़ती है। तो आई थिंक अगर मैं पिछले 2-3 टूर या अपने होम सीरीज भी उठा के देखूं तो आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया है ओवरऑल। दिस इज अ न्यू कंडीशंस, लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो वी वर यंगर साइड और आई थिंक वी आर डेफिनेटली फार बेटर, स्पेशली विद हसन कमिंग बैक, ही इज इन अ ग्रेट फॉर्म, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक मेक्स अ बिग डिफरेंस। एंड यू नो विद स्पेशली विद दिस कोविड कंडीशंस हम लोग काफ़ी बड़ा पैक आते हैं तो काफ़ी बॉलर्स के साथ भी काम करने का मौका मिलता है। और दूसरा धानी की जहाँ तक बात की आपने, आई नो बहुत उसके बारे में बातें हुई हैं, इज नो डाउट अ वेरी टैलेंटेड, दैट्स व्हाई वी केप्ट हिम इन द टेस्ट मैचेस में उसको उसका नाम है। डेफिनेटली फ्यूचर में उसको बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा, हाईएस्ट विकेट टेकर है, इज बोल्ड एक्सट्रीमली वेल और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इट्स अ प्लस प्लस फॉर पाकिस्तान, अल्लाह करे ऐसे और बॉलर्स आए। अच्छा वकार भाई, बदी जमा न्यूज वन से पूछना ये था कि अब यूनुस खान चले गए, क्या उनकी वजह से आप पर थोड़ा बॉलिंग में कुछ प्रेशर है कि यूनुस नहीं है, वो भी थोड़ी बहुत आपको उनसे भी बात हो जाया करती थी क्योंकि आप बैट्समैनों को भी जो ऑलराउंडर हैं खासतौर पर जैसे हसन अली हैं जो बैटिंग भी बड़ी अच्छी अब कर रहे हैं तो उनको आप भी बता रहे होते थे, और दूसरा ये कि बारिश की वजह से आपकी तैयारियों में काफी जो है खलल पड़ रहा है, इससे कुछ वनडे सीरीज में प्रॉब्लम होगी आप लोगों? जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि आइडियल कंडीशन प्रेपरेशन नहीं मिली हमें क्योंकि बारिशें भी हुई हैं, फिर यू नो इनडोर आउटडोर, कभी थोड़ा थोड़ी देर प्रैक्टिस, कभी बाहर कभी अंदर, तो आइडियल प्रेपरेशन नहीं है। तो यू नो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन यह है कि अच्छा होता अगर सूरज निकलता, नॉर्मली जून जुलाई में यहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ यू नो सूरज निकलता है, आई एम ग्लैड कभी निकला हुआ है। जहां तक दूसरा सवाल आपका क्या था कि यू आस्क अबाउट यूनुस खान बैटिंग को से चले गए आप पे थोड़ा जी, यूनुस खान आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट द स्ट्रोक ऑफ बिग टूर, ऐसा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उनके और बोर्ड के जो भी डिफरेंसेस, जो भी इश्यूज थे वो उन्होंने भी एक्सप्लेन किए, क्रिकेट बोर्ड ने भी एक्सप्लेन किए, you know he was a great help no doubt, you know batsmenon ko bhi, batsmenon ko bhi puchenge to of course jab batting coach hota hai to he is always there, he is always helping, he helps the batters, he helps me, he's always, you all know ki uske work ethics to bahut acche hain। वकार भाई मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने तकरीबन 3 मर्तबा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की पिछली 2-3 सीरीज में कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन अगर हम रीसेंट पास्ट में देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की लाहौर कलंदर टूर्नामेंट से जल्दी आउट हुई, शादाब की अपनी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं है, उस्मान कादर को मौका नहीं दिया गया, धानी और वहाब बड़ा अच्छा करके हैं सुपर लीग में लेकिन वो दोनों स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, एक हसन अली है, तो ओवरऑल आप मुतमईन है कि इनको जो इंग्लैंड में आकर थोड़ा वक्त मिला है, कंडीशन भी आप कह रहे हैं कि आइडियल नहीं मिली है, वेदर का प्रॉब्लम है, तो कहीं ये सीरीज हमारे बॉलर्स के लिए अब मुश्किल तो नहीं हो जाएगी, आप उस टारगेट को मीट कर लेंगे? उम्मीद है कि नहीं मुश्किल होगी। बाकी जहां तक आपने फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की है तो मैं अपना देखें, डिफरेंट क्रिकेट होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट की, और व्हेन यू प्लेइंग फॉर योर नेशन इज अ डिफरेंट आउटफिट में आप होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि you know playing for your star and playing for your country different ball game hoti hai, aur mujhe umeed hai Shaheen will come good, Hasan will come good, Haris will come good, Hasnain is bowling well, so I mean the bowlers are in good, Fahim is good, so I mean there are of course jaise kaha na ki ideal nahi hai lekin ye hai ki inshallah we will try to meet our goals। बहुत बहुत शुक्रिया, बस लास्टली क्वेश्चंस लेंगे, जिनको मौका नहीं मिल सका उनको फिर किसी और सेशन में मौका देंगे क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होना है, तो लास्ट 3 क्वेश्चंस अन सईद, अब्बास रजा और सबा पाशा। वकार भाई मेरा सवाल ये है कि डेथ ओवर में आपका पूरी दुनिया में जो एक नाम है, अभी भी जो वो आपकी बॉलिंग की हाईलाइट देखें
तो जो फैंस हैं क्रिकेट फैंस हैं वो शहर में मुब्तला हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वाइट बॉल क्रिकेट में आप जो है वो हमारे बॉलर्स हैं डेथ ओवर्स में उनको अपना जो है टैलेंट ट्रांसफर कर सके हैं, या आप समझते हैं कि अभी मजीद इन पे काम होना चाहिए, या वर्ल्ड कप के लिए हमारा जो है वो रेडी है जो डेथ ओवर्स में बॉलर्स हमारे? देखें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्रिकेट ओवर द इयर्स बदल गई है। सिर्फ एक यॉर्कर या एक वो एक बॉल करना ही जरूरी नहीं होता है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ बॉलिंग स्पेशली T20 क्रिकेट में। तो आई थिंक वी विल मीट आर गोल्स, और वर्ल्ड कप, अभी वर्ल्ड कप में टाइम है, वी गॉट फ्यू गेम्स इन वेस्ट इंडीज, इधर भी मैचेस हैं, उसके बाद हम एक होम सीरीज भी खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई जो अगर कमियां रह जाएंगी तो बाय द टाइम वर्ल्ड कप विल कम होपफुली वी विल कवर दैट। अब्बास रजा। विकी भाई, मेरा सवाल भी अनस से मिलता जुलता ही है कि डेथ ओवर्स में खास तौर पे जो हारिस रऊफ है इनकी कारकर्दगी जो है वो काफी ज्यादा खराब नजर आई है इधर PSL में, और कुछ हमारे जो मेन बॉलर हैं जो कौमी टीम के लिए खेलते हैं उनकी भी डेथ ओवर्स में 29-31 रन पड़ते रहे, तो उस मसले को एड्रेस करने के लिए खासतौर पर इंग्लिश कंडीशन में क्या किया? देखिए, बात की है उनसे और वो आगे भी बात करते रहेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फिक्स देयर इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स जो भी हैं, और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है ना कि वी आर वर्किंग ऑन इट एंड इंशाल्लाह विल बी फिक्स्ड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, ये बताइएगा इंग्लैंड में बॉलिंग का बहुत अहम रोल है वनडे में भी और T20 सीरीज में भी, जैसे लास्ट सीरीज में T20 में 180-190 रन बना सके थे और हमारे बॉलर्स अभी काफी यंग हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक मैच बहुत अच्छा कर जाते हैं दूसरे में बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो आप क्या समझते हैं कि मेंटल टफनेस से कितना काम किया जा रहा है या फिर ये टाइम टू टाइम ही चीजें जो है वो डिसॉल्व आउट हो जाएंगी? देखें, ये नेचर ऑफ द गेम है, T20 क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है, इसमें यू विल हैव गुड डेज एंड यू विल हैव यू नो बैड डेज आल्सो, सो T20 क्रिकेट जैसे मैंने कहा ना कि इट्स यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, फास्ट मूविंग गेम है, एंड एज आई सेड वी आर वर्किंग रियली हार्ड, और लड़के बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और यू नो वी कीपिंग देयर fitness also, keeping their workload also, we got the team who are taking care of it, we've got physio trainer who are really looking after them trying to get the best out of them in the upcoming series. Thank you so much Bakar bhai, thank you so much tamam media colleagues ka, aur inshallah next session mein phir mulaqat hogi. Thank you Ibrahim.